वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो। आज रखो आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड और टीवी दोनों पर पूरी तरह से सक्रिय है। टीवी पर उनका गेम शो कौन बनेगा करोड़पति प्रसारित होता रहता है। वहीं बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही फिल्मों में नजर आएंगे। अमिताभ ने फिल्मों में बोल सीन नहीं दिए हैं, हालांकि उन्होंने रोमांटिक सीन काफी दिए हैं। ऐसा ही सीन उन्होंने फिल्म नमक हलाल के दौरान दिया था। हालांकि ये सीन करने के बाद फिल्म की अभिनेत्री बहुत रोई थी। साल 1982 में आई फिल्म नमक हलाल में अमिताभ के साथ स्मिता पाटिल लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म में एक गाना था आज रपट जाए तो। इस गाने में स्मिता को पानी में भीगते हुए अमिताभ के साथ शूटिंग करनी थी। स्मिता पाटिल इस गाने की शूटिंग के दौरान सहज महसूस नहीं कर रही थी। अभिनेत्री स्मिता पाटिल उस समय ज्यादातर 8 फिल्मों में सादे रोल करती थी। फिल्म नमक हलाल उनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। स्मिता इस फिल्म के गाने के आगे आज रपट जाए की शूटिंग करने में झिझक रही थी। उनकी झिझक को दूर करने के लिए अमिताभ ने स्मिता से काफी देर बात की। अमिताभ के समझाने के बाद स्मिता पाटिल ने गाना तो शूट कर लिया, लेकिन गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद स्मिता को एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलती हो गई है। दरअसल स्मिता को लगा कि ऐसे सीन उनके अब तक के करियर से सबसे अलग है और उनके फैन इन्हें पसंद नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर वो पूरी रात रोती रही। इसके बाद जब स्मिता अगले दिन शूटिंग पर पहुंची तो अमिताभ ने उनकी हालत देखकर माजरा समझ लिया। स्मिता ने कमर्शियल फिल्मों में काम ना करने का मन बना लिया। वहीं अमिताभ ने स्मिता को गाने में बरसात और भीगे बदन की जरूरत को समझाया। अमिताभ के समझाने के बाद स्मिता ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की। तो क्यों दोस्तों, आपको स्मिता पाटिल का ये गाना मूवी में कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।